बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कॉलम क्रोमेटोग्राफी के बारे में और ये लेक्चर नंबर 5 है। तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी जो है जिस तरह नए है, मतलब ये कॉलम में इस तरह मतलब मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को हमने अलग करना है। सो इन दिस डिग्री द मिक्सचर इज पुट ऑन ए सपोर्टिंग सब्सटेंसेस, फॉर एग्जाम्पल सिलिका जेल जो है इसको हम यूज़ करते हैं, सिलिका जेल फेड इन अ ग्लास ट्यूब। मतलब ये है कि इस टेक्निक में हम मिक्सचर जो है पुट करना है सिलिका जेल के साथ और ये हमने मतलब ग्लास ट्यूब में फिट करना है, एक ट्यूब में हमने इसको रखना है। सो द सॉल्वेंट इज पोर्ड ओवर द सपोर्टिंग सब्सटेंस, नेक्स्ट पॉइंट है सॉल्वेंट इज पोर्ड ओवर द सपोर्टिंग सब्सटेंस, फिर इस सपोर्टिंग सब्सटेंस के ऊपर हमने सॉल्वेंट पोर करना है, डालना है, विच डिजॉल्व द मिक्सचर एंड फ्लो इन द ट्यूब, और ये ट्यूब में फ्लो करेगा कॉलम में, एंड सेपरेटेड द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर इन द कॉलम, और कॉलम में जो मिक्सचर के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं वो अलग अलग हो जाएंगे। तो स्टूडेंट ये देखें, ये डायग्राम है और डायग्रामेटिकली इसको किस तरह रिप्रेजेंटेड किया जाता है। ये एक ट्यूब है, ग्लास ट्यूब, यानी ब्यूरेट भी कहते हैं, एक नॉर्मल ट्यूब भी आप लोग ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक टैप लगना चाहिए ताकि हम इसको फ्लो ओपन और क्लोज कर सकें। तो सबसे पहला पॉइंट जो है नंबर 1, मिक्सचर इज टू बी सेपरेटेड इज डिजॉल्व इन द मोबाइल फेज। हमने यहाँ पे सिलिका जेल्स वगैरह लिया है क्योंकि यहाँ पे दूसरा मिक्सचर हमने यहाँ ये वाला लेना है और ये स्टेशनरी फेज में होगा, यहाँ पे हमने इसको क्लोज करना है। और ये क्रोमेटोग्राफी कॉलम है, मतलब ये ट्यूब जो है इसको हम क्रोमेटोग्राफी कॉलम कहते हैं। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट जो है कंपोनेंट सेपरेट, मतलब ये है कि जब हम कंपोनेंट को सेपरेट करते हैं तो ये एक मिक्सचर है, हमने एक मिक्सचर यहाँ पे डाला है और ये मिक्सचर 3-4 पिगमेंट से बना है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे तो ये स्टॉप है, हमने टैप ऑन करना है तो ये कंपोनेंट सेपरेट होने लगेंगे। तीसरे नंबर पॉइंट में है कि मोबाइल फेज इज एडेड थ्रू आउट द प्रोसेस, मतलब ये है कि ये एक बीकर है, ये भी बीकर है, मतलब हम बीकर लेते हैं और बीकर के जरिए हमने सॉल्वेंट ऐड करना है ताकि वो उसके ऊपर मतलब ये आए और ये मिक्सचर के जो कंपोनेंट है ये अलग अलग हो जाए। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ से मतलब टाइट्रेशन प्रोसेस शुरू होने लगा है, टाइट्रेशन प्रोसेस शुरू होने लगा है यहाँ। तो यहाँ पे देखिए ये ग्रीन वाला जो है, ग्रीन वाला यहाँ पे अलग हुआ है और ये रेड जो है, रेड यहाँ पे पहुंच गया है, ब्लू यहाँ पे पहुंच गया है और ये मिक्सचर के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं। नेक्स्ट फिर क्या करते हैं, किसी तरह हम ऐड करते हैं, मतलब मोबाइल फेज ऐड करते हैं, लिक्विड सब्सटेंसेस ऐड करते हैं और यहाँ से मतलब आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ जाएगा कॉलम फॉर्म में, और जब कॉलम फॉर्म में जाएगा तो देखिए स्टूडेंट ये एक कंपोनेंट है और ये अलग होने जा रहा है। चौथा नंबर पॉइंट है इसका, ईच कंपोनेंट इज कलेक्टेड एज इट रीच द बॉटम ऑफ द कॉलम, मतलब कॉलम के बॉटम में कोई भी कंपोनेंट आएगा वो यहाँ पे हम कलेक्ट करेंगे और उसको हम स्टडी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये था कॉलम क्रोमेटोग्राफी के बारे में।